आज आपको हम कौमी असेंबली में सुनते रहे, आपने ठीक ठाक बातें की और जबरदस्त तरीके से की। ये बताइए कि आपने, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स इसके ऊपर बात करेंगे हम आपसे, लेकिन आपने अपनी तकरीर के दौरान ये कहा कि मैं ले चलता हूँ साथ माफी अगर मांगनी है तो ये बताएं कि ये ऑफर जो थी, ये रियलिस्टिक ऑफर थी? आपके वाकई इस तरह के कॉन्टेक्ट हैं कि आप पॉसिबल करा सकते हैं ये नामुमकिनात में से एक? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ध्यान में रखें कि इसका जो बैकग्राउंड है पूरी स्पीच का, उसको लेके चलते हैं ना। वो लेके ये चलते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात की और वो बात ये थी कि पूरी की पूरी स्पीच जो थी वो उन्होंने फौज के खिलाफ की, एजेंसीज के खिलाफ की। मसलन उन्होंने 5-6 बातें की, उन्होंने वीगो डाले की बात की, उन्होंने केजीबी की मिसाल इसके साथ मिला दी अपनी एजेंसीज के साथ, फिर हजूज मजूज कह दिया, बहुत कुछ कह दिया उन्होंने। एज ए पाकिस्तानी मैं बात करूंगा, हम भी विक्टिम रहे हैं किसी दौर में, बड़ी चीजें हमने भी देखी, फेस की। रात को 11:30 बजे हमें उम्र कैद सुनाई गई, लेकिन हमारे मुंह से कभी ये नहीं निकला कि इस पाकिस्तान पे बम गिरा दिया जाए या आग लगा दी जाए, तो मेरी वीडियोज निकाली जाए। तो इस बुनियाद के ऊपर मैंने ये कहा कि अगर आपको एक एजेंडे के तहत आपकी पूरी स्पीच में अगर किसी जगह हुकूमत में भी तनकीद होती, किसी जगह को बेहतरी के लिए बात होती, तो चले हम मान लेते हैं। अब तो आप एक एजेंडे के तहत, जो कि फॉरेन एजेंडा है जिसके अंदर बहुत से फॉरेन एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, केपी में कर रहे हैं, अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं या धमाके हो रहे हैं, लोग मार रहे हैं, पंजाबी पख्तून बलोच लड़ाई कराने की कोशिश की जा रही है, तो इस सारी फंडिंग में जो आपको मिल रही है, तो वो आप तो एक ही काम कर रहे हैं कि जो एक इंस्टीट्यूशन रह गया उसके ऊपर आप हमलावर हैं। तो इस हवाले से मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप दोबारा, क्योंकि आपकी रात लंबी है अभी, बाकी बातें तो अल्लाह मियां बेहतर जानता है जी, अल्लाह के फैसले जो है अपने होते हैं, दुनियावी जो हकायक है, मैंने उन्हें कहा आपकी रात लंबी है, स्लोली चलें, गालियां ना निकालें। अगर आपने आना है स्ट्रीम लाइन में दोबारा वापस पाकिस्तान की सियासत में, तो आपको 9 मई पे माफी मांगनी पड़ेगी। तो अगर 9 मई में माफी मांगने के लिए अगर आप तैयार हैं बानी पीटीआई से पूछने, तो आपको ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। माफी के लिए तो हम सारा दिन जिरगे करते रहते हैं, तो इनका जिरगा मैं प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं करवाऊंगा, मैं खुद करने के लिए तैयार। बस ये बात थी, उसका बैकग्राउंड ये था। अच्छा हनीफा भाई साहब, ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि दुनियावी मामलात के बारे में ज़ाहिर हम बात कर सकते हैं कि किस तरीके से आगे चीज़ें चलेंगी, तो आपके अपने पॉलिटिकल एनालिसिस में, सिंस आप पॉलिटिकली चीज़ों को समझते हैं, बानी पीटीआई को आपका क्या, आपको क्या लगता है उनका मिलिट्री ट्रायल होगा 9 मई वाले मामले में? देखिए मेरी बात सुने, मैं इसकी ख्वाहिश भी रखता हूँ। ख्वाहिश कैसे रखता हूँ, बाकी लोग कहेंगे नहीं जी मेरा तो दिल नहीं चाहता, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पॉलिटिशियन को नहीं। उन्होंने जो 9 मई को किया है, ये पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं हुआ। और जो मैं देख रहा हूँ, जो एविडेंस इकट्ठे हो रहे हैं, मेरे से ज्यादा आप लोग, यहाँ मेरे भाई क्लासा साहब बैठे हुए हैं, बड़े इन्वेस्टिगेशन, बहुत बड़े इस मुल्क के जो हैं वो एनालिस्ट हैं, मैं ये समझूं सारा तारीख में ये भी नहीं हुआ अपने लेफ्टिनेंट जनरल को पकड़ा, तो सिर्फ वो मेरा नहीं ख्याल कि टॉप सिटी के इशू के ऊपर पकड़ा गया होगा, उसकी बुनियाद भी और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद की जो सूरत हाल है उस हवाले से अगर आप देखें, हरकत और सकनात पूरा टाइम दिया गया, मौका दिया गया, एविडेंस इकट्ठे किए गए, फिर जाके अरेस्ट किया गया। अब वहां पे जो एविडेंस इकट्ठी हुई है, जो जेल का अमला जो गिरफ्तार हुआ है वहां से तो एविडेंस इकट्ठी हुई है, कोई रिटायर्ड लोग हैं, कोई हाजिर ड्यूटी लोग हैं, ये 9 मई आप समझते कि एक दिन में हो गया? मैं हमेशा से कहता आया हूँ, आज नहीं कह रहा मैं, आपने सुना होगा कि मैंने कहा कि 9 मई जो है वो तकरीबन 1 साल की पूरी मेहनत के नतीजे में, दिन रात जिसे कहते हैं, उस नतीजे में सब लोगों ने मिलकर किया। सब लोगों से मुराद बहुत सारे लोग जो इंस्टीट्यूशन के अंदर भी थे, बाहर भी थे, और पॉलिटिशियन भी थे और एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, ये सब ने मिलकर 9 मई किया। जी आपको बहुत शुक्रिया भाई, मुझे जो जी मैं क्लासा साहब एक सेकंड जो सवाल उन्होंने किया था मैं जवाब दे दूं जी। तो मुझे तो लग रहा है कि ये उनको तक पानी पीटीआई को भी कि उनका केस जो मिल्की कोर्ट में चला जाएगा। जी सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया सर। आपको, आपका कहना है कि मिलिट्री कोर्ट में केस चला जाएगा, ये सिर्फ पीटीआई के जो गिरफ्तार हुए 103 या 109 लोग बताए गए थे उनका चला जाएगा, या इमरान खान साहब का भी मिलिट्री ट्रायल होगा, ये मिलिट्री कोर्ट में जाएगा सर?
जी मैंने यही कहा है, मैंने उनका तो बात ही नहीं की क्योंकि मैंने हमेशा मास्टरमाइंड की बात की है। अच्छा। और मैंने कहा है कि अगर मास्टरमाइंड्स को नहीं पकड़ेंगे, उनको उनके मिट्टी कोर्ट में नहीं चलेगा, तो फिर जो पहले जो मासूम मतलब जिनके कोरा कागज था जेन, फिर उनको भी छोड़ देना चाहिए। उनको तो पॉइजन किया गया ना, एक साल ये कहा गया, क्या कहा गया, मीर जाफर मीर सादक कहा गया, डॉक्टर कहा गया, ठीक है, और पता नहीं क्या गया, बला तला सारा कुछ कहते रहे। तो वो किस लिए कहते रहे कि ये भी कहते रहे जब मैं गिरफ्तार हो तो फला फला जगह जो अपने हमलावर हो, तो एविडेंस इकट्ठे हुए हैं या हो रहे हैं, वो तो खुरा उन्हीं की तरफ जाता है जी, बानी पीटीआई की तरफ। ये कोई आपके नॉलेज में है किस तरह के एविडेंसेस इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि आज आपकी तकरीर से और आपकी अभी वाली गुफ्तगू से भी लग रहा है कि आपको शायद संभव कुछ ना कुछ अंदाज़ा है कि कौन से और किस तरह के एविडेंसेस जो है ना खान साहब या पीटीआई के खिलाफ आ रहे हैं 9 मई के हवाले से, कोई आपके नॉलेज में है ये? देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्लासा साहब, मैं बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन से लोग गुजर रहे हैं, मैं उसको तो यहाँ ना मेरे उस इन्वेस्टिगेशन का कोई मेंबर हूँ ना पास बैठा हूँ, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से आप भी समझते हैं मैं भी समझता हूँ कि जो हाथ डाला गया है जी। और उसका खुरा मैंने जैसे आपको बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग कुछ पॉलिटिशियन, आप तो पीटीआई ने खुद मान लिया ना जी कि इनके अपने इंफरादी लोगों के फौज के साथ ताल्लुकात है, रबते में है, ये जो पिछला जो जलसा पोस्टपोन हुआ वो भी उन्होंने करवाया। तो अब कहने से मुराद ये है कि ये चीजें सामने हैं कि जो बंदा पकड़ा गया है डाला जेल से, उसके यहाँ किस किस के फोन आते थे, क्या क्या चीजें चलती थी, वो क्या क्या चीजें फ्राहम करता था, कैसी कैसी सहूलतकारी करता था, और किस किस के फोन आते थे, हाजर सर्विस के आते थे, रिटायर्ड किसके आते थे, सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें एक बंदे तक महदूद नहीं है। हो सकता है कुछ यहाँ से चले भी गए हों और वो अपना बयान रिकॉर्ड आ गए हों, जिसे आप वादा माफ कहते हैं। तो ये सारी चीजें काफी सारी हैं, ये इस तरह का इतना आसान नहीं है जितना मैं आप या कोई और समझ रहा होगा। अच्छा, आप वादा माफ गवाह की बात हो रही थी, बहुत सारी र्यूमर्स भी थी, बातें भी थी कि शायद खान साहब के खिलाफ ये जनरल फैज जो हैं वो कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से ये केसेस जो हैं वो मज़ीद खान साहब को उसमें उनको ड्रैग किया जा रहा है, बल्कि खान साहब तो एक पटिशन जो है वो हाई कोर्ट में भी उनके वकीलों ने डाली है जनाब कि इनको मिलिट्री ट्रायल मिलिट्री कस्टडी में इनको रोका जाए। तो आप समझते हैं कि जनरल फैज साहब और इमरान खान साहब के कंटेक्ट्स भी को एस्टेब्लिश हुए हैं? ये हो चुके हैं सर, ये हो चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका वैसे ना जवाब किए ही कुछ ना हो, या आपका इस हवाले से कोई रबता ही ना हुआ हो, कोई आपकी कन्वर्सेशन ही ना हो, कोई आपका लिखा पढ़ा भी ना हो, तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है, आपको कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है, कोई जबरदस्ती तो आपको मिलिट्री कोर्ट में नहीं लेके जा सकता। या जिस बंदे को पकड़ा गया है उसको आप क्या समझते हैं कि सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशन में जस्टिफाई करना पड़ेगा कि नहीं, तो फिर उसके बाद बाकी लोगों को जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये सारी चीजें एस्टेब्लिश हो चुकी हैं और इनके खिलाफ तो बहुत सारे लोगों ने बयान रिकॉर्ड करवा दिए। नहीं, जब आप बहुत सारी बात कहते हैं, बहुत सारों में जेल के हुकाम हैं जो पकड़े थे, ये पकड़े गए वो बहुत मामूली लोग हैं, वो मामूली लोग हैं, वो उस हवाले से इसमें बहुत प्यादे की हैसियत रखते हैं। यहाँ तो बड़े अच्छे लोग जो रिटायर भी हो चुके थे, जो हाजिर सर्विस भी थे और जो पॉलिटिक्स में भी थे और जो मजीद एडमिनिस्ट्रेशन में हायर पोजिशन में भी थे। तो ये मतलब है ये एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से थे या बाहर से थे जो आप बता रहे हैं? और ये मैंने बताया ना अपना क्लासा भाई, मैंने राहुल भाई बताया आपको कि इंस्टीट्यूशन के अंदर से भी हो सकते हैं और रिटायर्ड इंस्टीट्यूशन के लोग भी हो सकते हैं। तो कितने लोग उन्हें स्टेटमेंट अपने उन्होंने जमा करवाए हैं खान जी? एग्जैक्ट तो देखिए ना, वो तो एग्जैक्ट मुझे इन्वेस्टिगेशन जो गुजर रही है वो तो शायद मेरा ख्याल है वहां से चीटी भी पार नहीं मार सकती जी, लेकिन ये है कि ये इस हद तक इंफॉर्मेशन जरूर है मुझे, ये अब मुश्किल है पानी पीटीआई के लिए, जरा रात लंबी है, थोड़ी मेहनत करेंगे जरा हो जाएगा। तो इसका कोई सलूशन कोई नजर आता है आपको कि कोई जो आज आपने ऑफर भी की है जी कि मैं बातचीत के लिए दरमियान में आर्बिट्रेशन जिरगे के लिए तैयार हूँ, मतलब खान साहब या उनकी पार्टी अगर कोई वो जो पहले भी आईएसपीआर ने भी कहा था जनाब माजरत करें फिर देखेंगे, तो डू यू थिंक के माजरत से काम सेटल हो जाएगा, माफी मांग ली जाए तो ये चीज? अच्छा, ये इसके लिए भी दो क्लासा साहब, इसके लिए भी दो वर्जन है कि एक बंदा कहता है जैसे मैंने कहा जी क्या मैं माफी, तो वो कहते हैं फिर सारे क्राइम माफ हो जाएंगे, वो क्राइम कैसे माफ होंगे? लेकिन मैं समझता हूँ
कि अगर मानी पीटीआई अपनी गलती को तस्लीम कर लेते हैं और कहते हैं कि मैंने गलती की है और मैंने अपने लोगों को बिल्कुल भड़काया, उनको ट्रेन किया, उनको प्लानिंग की, सारा कुछ मान लेते हैं, तो मुझे माफ कर दिया जाए, ये मेरी गलती थी, तो मेरा ख्याल है कि माफ करने वाले माफ कर दें। तो आप समझते नहीं है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कड़वा घूंट खान साहब भर लेंगे, उनके सारा नैरेटिव इसी पे खड़ा हुआ है, ये नैरेटिव उनका बिल्डोज हो जाएगा, फिर ये यूथ है, लोग हैं, और फिर इसके बाद एडमिशन के बाद तो कल को बहुत सारे लोग टांट्स भी करेंगे। आप कह रहे होंगे देखा जी इन्होंने मान लिया, तस्लीम कर लिया, जब बंदा मान के माफ़ी मांग लेता है फिर तो वो ठीक है, दो चार लोग तो नहीं कहेंगे, लेकिन अक्सरियत तो फिर उनको टांट्स करेंगी। मेरा ख्याल इसी डर की वजह से पीटीआई का भी ये काम नहीं करेगा। भाई अभी भी देखें, एक साल से बंदा वहां पड़ा है, कोई खून की नसें नहीं पड़ गई, कोई लोगों ने खुदकुशियां नहीं कर ली है, ये सीने अपना अपना चस्का ले रहे हैं, ये जितने बाहर इनके लोग हैं वो चाहते नहीं इमरान खान बाहर आए, अगर वो बाहर आ गया तो इनकी लीडरी कहां जाएगी। 14 पीटीआई बनी हुई है, तो कहने से मुराद ये कि ये किसी तौर पर मुमकिन ही नहीं है कि वो, उनके लिए तो मसला कोई नहीं है। उन्होंने दिखे, उन्होंने अपनी भी जान बचानी है, बाकी लोगों भी बचानी है, और गलती को तस्लीम करने वाला शख्स बड़ा होता है।